पराग शाह ने मंत्री असलम शेख के नेतृत्व में मलाड में वैक्सीनेशन शुरू किए। मलाड के नूतन स्कूल में पराग शाह ने शुरू कराया वैक्सीनेशन। मुंबई के मलाड विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री असलम शेख के नेतृत्व में रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ वेस्ट के जरिए मलाड मार्वे रोड नूतन स्कूल पर वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। आपको बता दें कि पराग शाह द्वारा यहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लोगों के बैठने, पानी, नाश्ता, चाय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्थाएं की गई है। इन इलाकों में बीजेपी के नगर सेवक होने के वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी दिक्कत हो रही थी, ऐसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मानना था, जिसके बाद इस मामले में पराग शाह ने मंत्री असलम शेख से बातचीत की और मलाड मार्वे रोड नूतन स्कूल में मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू कराई गई। बाइट पराग शाह, बाइट संतोष चिकने, कांग्रेस नेता मुंबई, बाइट कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष। वैक्सीन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो यहाँ पर मलाड में वार्ड 35 है, वहाँ के लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रहा था, तो हमारे कैबिनेट मंत्री श्री असलम शेख जी ने कहा कि यहाँ पर एक वैक्सीन कैंप हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, और जो लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा, जो लोग जो तड़प रहे फर्स्ट डोज सेकेंड डोज के लिए, तो लोगों को फ्री वैक्सीन दो और जागरूकता लेकर आओ, और लोगों की हम लोग को सहायता करनी है वैक्सीन लेने के लिए। तो इसीलिए ये वैक्सीन कैंप हम लोग ने यहाँ पर रखा है, ये पूरा असलम शेख के नेतृत्व में रखा है। यहाँ पर लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर सुबह से भीड़ लगी हुई है और सब लोग एकदम खुश होकर जा रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग है वो असलम भाई को, पराग शाह को, सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे मलाड के इस इलाके में जो लोग हैं, कुछ लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर के डरे हुए हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? ऐसे लोगों को एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन अप्रूव किया हुआ है, तो सबको वैक्सीन लेना चाहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, और ये कोरोना से लड़ना है हमें। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया करके जल्द से जल्द दोनों डोज ले लीजिए। ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो कैंप वार्ड नंबर 35 मतलब ब्लॉक जो भी है, बीएमसी प्रभाग क्रमांक 35 के अंदर पराग शाह और असलम शेख जी के योगदान या बोलो उनके कोऑपरेशन के साथ में इसको रखा गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो भी इस वार्ड के अंदर बीजेपी की नगर सेवक है, और जो भी वैक्सीनेशन कैंप है, जहाँ जहाँ बीएमसी ने, महानगर पालिका ने वैक्सीनेशन कैंप खोले हैं, वो महानगर पालिका ने खोले हुए, ना कि उधर के नगर सेवकों ने। लेकिन जैसे कि जो ये बता रहे हैं उस नगर सेवक की, ये कैंप हमने, वैक्सीनेशन सेंटर हमने चालू किया है और वैक्सीन भी हम ला रहे हैं, जैसे वो वैक्सीन खरीद के ला रहे हैं। जो वैक्सीन आ रही है उसका पैसा बीएमसी पे कर रही है, या सरकार बीएमसी को फ्री दे रही है, या वो कंपनी गवर्नमेंट को फ्री दे रही है, इसमें नगर सेवकों का कोई हाथ नहीं है। जो सेंटर बने उस सेंटर का सारा खर्चा महानगर पालिका ने किया है, कोई नगर सेवक ने अपने जेब से नहीं किया हुआ है, लेकिन वो अपनी दादागिरी वहाँ कर रहे हैं, और उस वजह से काफ़ी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है वहाँ। वो सिर्फ जो टोकन देने के लिए उनके लोग बिठाए जा रहे हैं, वो अपने लोगों को ही टोकन दे रहे, या कई लोगों को टोकन बेचा भी जा रहा है। यहाँ व्यवस्था की गई है पराग शाह ने और हमारे असलम भाई ने कि कुछ 500-600 लोगों का वैक्सीन रखा हुआ है इस कैंप के अंदर, और नानावटी से टाइप करके जो भी नानावटी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, नानावटी को पैसा पे किया इन्होंने अपने जेब से, और इस नूतन स्कूल का एक आभार है कि उन्होंने अपनी जगह दी है इस सेंटर के लिए, और इस वार्ड को, इस वार्ड के लगत काफ़ी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी इनके माध्यम से, और इनका, उन लोगों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा पराग भाई को और असलम भाई को, क्योंकि यहाँ के जो भी नगर सेवकों ने इतना हरेसमेंट और इतनी ज़्यादा परेशानी करके रखी। इसके लिए मैंने बीच में भी एक पत्र असलम भाई को लिखा था कि यहाँ इस 3 वार्ड है, इस वार्ड 35 में वैक्सीनेशन बहुत दिन से चालू है, लेकिन कैसा आम जनता तक वैक्सीनेशन पहुँच नहीं पा रहा था। तो ये वार्ड 35 है, यहाँ चेहरा देख के यहाँ की नगर सेविका है, वो अपने कार्यकर्ता को कूपन दे के वही लोग जा रहे थे जो उनके है, आम जनता को वैक्सीनेशन का लाभ नहीं मिला, जबकि गवर्नमेंट का ऐसा है कि ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा कारोबार चल रहा था कि टोकन पे अपने अपने लोगों को वहाँ से बोलने, एक ऐसा सलम एरिया है जब 20-25 हज़ार पब्लिक रहती है ये वार्ड 35 में, तो ऐसा चल रहा था कि वहाँ की नगर सेविका अपने अपने लोगों को इसीलिए आमदार असलम शेख जी ने वार्ड 35 में बोले ये सिर्फ ऑनलाइन होएगा, तो ऑनलाइन होगा 500 जन को वैक्सीन मिल रहा है हर कोई, इसमें कोई एक भी नहीं हमारा आदमी आएगा कि कोई कार्यकर्ता का कि भाई इसको ले लो, ये हमारा करने का ये है काम।
तरीका।